ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी जुबान काटने वाली टिप्पणी को पुराने युग का फतवा करार दिया है। उन्होंने टिप्पणी करने वालों को कांग्रेस नेताओं की चमचागिरी करने वाला भी बताया। वहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी पर बीजेपी युवा मोर्चा की ऊना इकाई ने FIR भी दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तल्ख सियासत की हदें पार होती जा रही हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस नेता और समर्थक भी बीजेपी अध्यक्ष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जमकर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक कांग्रेस समर्थक और वीरभद्र सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे विनय शर्मा ने सतपाल सत्ती की जुबान काटने वाले को 10 लाख देने की संबंधित पोस्ट डाली है, जिसके बाद अब हिमाचल बीजेपी भी उग्र हो गई है। पार्टी की युवा मोर्चा की ऊना इकाई ने इसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के बाद इस पोस्ट के धारक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल और कांग्रेस समर्थक द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी जुबान काटने वाली टिप्पणी को कांग्रेस की तरफ से इशारा करते हुए पुराने युग का फतवा प्रणाली बताया। उन्होंने टिप्पणी करने वाले को कांग्रेस नेताओं की चमचागिरी करने वाला बताया। जो एक एडवोकेट है धर्मशाला से, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, वो इसी तरह की टिप्पणी है जिस तरह से कभी कोई ऐसे स्थानों से फतवे जारी किए जाते हैं जो कभी पाषाण युग में होता था। उस एडवोकेट को भी मैं जानता हूँ कितने पानी में है, और उसके साथ साथ वो किस तरह की चाटुकारिता करके एडिशनल एडवोकेट जनरल बने थे, जो मैं सब जानता हूँ। और जब अनुराग ठाकुर जी ने वहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम बनाया था, तो अनुराग जी के बारे में, धूमल जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणियाँ करके ही वो एडवोकेट जनरल बने थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल बने थे, और यही उनकी क्वालिफिकेशन भी थी, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए जांच और उचित कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। पिछले कल ऊना थाना में एक शिकायत दर्ज की गई है खामोश जैते की तरफ से कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, उनके खिलाफ फेसबुक पे किसी ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसके आधार पर पुलिस ने पुलिस थाना ऊना में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। पिछले कल विनय शर्मा एडवोकेट हैं धर्मशाला से, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी सतपाल जी के बारे में कही थी, जिसमें उन्होंने आम पब्लिक को इंस्टिगेट किया था, अलर्ट किया था कि जो भी सतपाल जी की काली जुबान को काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपया मैं इनाम में दूंगा। बहुत ही शर्मनाक ऐसी पोस्ट जो डाली गई थी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु आज भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हुए। उन्होंने पिछले कल भी SHO ऊना को इस बाबत एक कंप्लेंट दी थी और आज भी SP ऊना को मिलकर ज्ञापन देकर एक कंप्लेंट सौंपी है, और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में जो भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा और उस विनय शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए H Today के साथ। नमस्कार।